रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया है। वहीं रेलवे भूमि से 7 फरवरी तक अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 हफ्ते में लोगों को हटाना उचित नहीं है। साथ ही कहा कि 50,000 लोगों को हटाने के केवल 1 सप्ताह का समय काफ़ी कम है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि पहले उनके पुनर्वास का विचार हो। वहीं इस आदेश के बाद 4,500 परिवारों के आशियानों को फिलहाल नहीं उजाड़ा जाएगा। बता दें कि जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अवैस ओक की बेंच इस मामले की सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील देते हुए कहा कि प्रभावित होने वाले लोगों का पक्ष पहले भी नहीं सुना गया था और फिर से वही हुआ। हमने राज्य सरकार से हस्तक्षेप की मांग की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह ठीक है कि रेलवे वहां सुविधा का विकास करना चाहता है, लेकिन 50,000 लोगों को इस तरह 1 हफ्ते में नहीं हटाया जा सकता है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारी शुरू से ही सुप्रीम कोर्ट में आस्था रही है। हमें विश्वास था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में आएगा, हमें स्टे मिलेगा। और जिस तरह से हाई कोर्ट ने एक तरफा फैसला किया था, तो हमारी आखिरी उम्मीद भी सुप्रीम कोर्ट ही थी। आपका नाम? मोहम्मद एहतिशाम। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमें इंतज़ार था और यहाँ की पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान थी। घरों में खाना नहीं, प्यास नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान थे। इस दिन का हमें शिद्दत से इंतज़ार था। सुप्रीम कोर्ट ने इस्टे देकर हमें जो है एक सुकून दिलाया है और बहुत ज़्यादा हमें खुशी हासिल हुई है। और मैं तो यही कहूँगा कि जिनके दिलों घरों में खाना नहीं बन रहा था, उनके यहाँ भी आज खाना बनेगा और वो खाना जो है खाएंगे और दुआएं करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज़्यादा हम शुक्रिया अदा करते हैं और आगे का भी हमें उम्मीद है कि फैसला आएगा तो वो हमारे ही हक में आएगा।